हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं दोबारा से आपके पास एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ की अनबॉक्सिंग और उसे असेंबल करना है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसे चीज़ से मिलाऊंगा आप लोगों को जो कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा और बहुत ही एक सुरेख है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर समझ चुके होंगे। तो बस वही उसी को असेंबल करना है और सारा चीज़ कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ मुझे मिले हैं और क्या क्या चीज़ कैसे करके असेंबल करना है, ये सारा डिटेल आपको दिखाऊँगा और एक खूबसूरत सुरेख बना कर दिखाऊँगा। सुरेख तो सुरेख सिर्फ शॉपिंग के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन उसमें आप बहुत कुछ रख सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें भी रख सकते हैं सू के सिवा। तो बहुत सारे चीज़ में इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से शॉप कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि वो भी इसे शॉपिंग करने से पहले ये सारा कुछ देख लें, उसके बाद शॉपिंग करें। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी डिज़ाइन में आप कभी भी कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से खोल के वहाँ पे फिट कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे ओपन करने का प्रोसेस। देखिए, कुछ इस तरह से आपको ओपन करने का ऑप्शन है, जो आप गोल वाला जो लगा हुआ है, जो चारों कोने में लगा हुआ रहेंगे इसके, वहां से आप आसानी से इसे निकालिएगा, ये खुल जाएगा। तो अब मैं प्रोडक्ट का डिटेल आपको दे देता हूं कि ये देखिए, इसे आपको मिलेगा 12 पीस ये आपको टोटल मिलने वाला है ये। उसके बाद इसके साइज का भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा, और ये एक उससे छोटा है जो कि ये आपको मिलेगा 18 पीस ये मिलने वाला है। उसके बाद इसके साइज़ का डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा, इसका एक पूरा डिटेल जो साइज़ का है वो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये होने वाला है आपका 35x70 सेंटीमीटर, 35x17 सेंटीमीटर का ये होने वाला है। उसके बाद जो ऊपर का सबसे पहले जो कैप था वो होगा आपका 45x17 सेंटीमीटर, 45x17 सेंटीमीटर होगा जो ऊपर का कैप है। और ये बेस है जो सबसे बड़ा साइज का आपको मिलेगा, 35x45 सेंटीमीटर। तो ये 35x45 सेंटीमीटर का होगा जो कि बेस और ऊपर से ढकने के लिए है। और ये आपको टोटल मिलने वाला है 14 पीस, और साइड से जो लगने वाले हैं वो आपको मिलने वाला है 18 पीस। और ये जो है चक्री है, ये बहुत मेन रोल आपको देने वाला है, और इसके कारण से ही सारा कुछ असेंबल होगा, एक साथ में जॉइंट होगा इसकी वजह से ही, और यही सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। आप देखेंगे वीडियो के एंड में या फिर और आगे जा करके पूरा डिटेल, जिससे आप समझ पाएंगे। तो ये आपको मिलने वाला है 49 पीस ये आपको मिलने वाला है, ये सारा आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बचने वाला है वो अगर बाय चांस कभी कुछ टूट गया या फिर क्रैक आ सकता है उसमें, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, आप इसे फेंकना नहीं है, आपको रखना है एंड तक। और इसके बाद आपको मिलेगा एक हथौड़ा, जो कि एक तरफ से प्लास्टिक का हार्ड है और एक तरफ से रबड़ है, जो कि आप अगर किसी भी चीज़ में मारते हैं तो मारने का असर होता है, लेकिन उसमें टूटने व फटने का असर नहीं होता है। तो यही है साइज का डिटेल, मैं आपको जैसा कि बता रहा था मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारा कुछ क्वांटिटी के हिसाब से लिखा हुआ है, क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला है। इस तरह से एक पेपर में, सिर्फ एक ही पेज में उन लोगों ने सारा डिटेल दे दिया है, कैसे आपको फिट करना है, कैसे कहाँ से कनेक्ट करना है, और इस टाइप से बॉक्स बना सकते हैं आप। ये करीब से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसे फिट करना है। ये देखिए, ये चक्री है, इसे आपको यहाँ से फिट करना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये चारों तरफ लगने का ऑप्शन है इसमें, जहाँ जहाँ से आपको जो जो यूज़ करना है वो सारा कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बेस मैंने लगाया है, और बेस इस तरह से लगाया, और इसके बाद जो साइड में लगने वाला है वो इस तरह से आपको लगाना है।
उसके बाद जो इस साइड से लगने वाला है वो यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह करके ये मैंने आपको थोड़ा सा लूज करके दिखाया है ताकि आप समझ पाएं कि कहाँ पे क्या लग रहा है। इसी तरह से नीचे के सेम ऊपर में ही ऐसा ही लगाना है आपको, ताकि आप कोई भी साइज में डिफरेंट ना हो। इधर उधर करने से साइज में डिफरेंट आ सकता है, और अगर एक साइज में डिफरेंट आया तो ऊपर का कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए ही मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग वाला चक्री लगा रहे हैं आप, वहीं से ऊपर वाला चक्री भी लगाइएगा कुछ इस तरह से, और आसानी से सब में फिट करने का ऑप्शन है। हल्का हल्का वो इतना टाइट है कि आप आराम से हल्का हल्का हथौड़ा मार के उसे ठीक कर सकते हैं। और आगे का पूरा वीडियो देखिए ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से डिज़ाइन बन रहा है। और आप जब इसे लेंगे तो पज़ल के टाइप का फिट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, पज़ल के हिसाब से जहाँ जो मर्जी वहाँ पे फिट कर सकते हैं आप। तो देखिए किस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ता जा रहा है और इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, कुछ इस तरह से खूबसूरत भी लगता है ये। और ये आपकी मर्जी से सेट होता है, जहाँ पे आप मर्जी सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। अगर आप पूरा एक ही साइज में पूरा लंबा स्टार्टिंग ऊपर तक लेकर के जाना चाहते हैं तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप साइड से दो साइड से खुलने वाला, जैसा कि मैं बना रहा हूँ वैसा ही अगर आप रखना चाहते हैं, तो इसके साइड में भी आपको और एक ऐसा बनाना होगा। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, आपको पहले लंबाई के बारे में बता दूँ, कोई इस तरह से आप आसानी से एक के बाद एक कनेक्ट करते करते आप आसानी से वो पूरा हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हाइट हो चुका है, अब मेरा हाथ नहीं जाने वाला है सामान रखने के लिए, तो अब आपको साइड से बढ़ाना होगा। तो साइड से जैसे ही आप बढ़ाएंगे वैसा ही सेम ऑप्शन है, साइड से कनेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको लंबाई का जो है वो स्टॉप करना होगा, वहाँ से आप पूरा जहाँ तक आप बनाना चाहें बन सकता है ये, और कभी भी ये चेंज कर सकते हैं। मैंने बहुत बार चेंज किया है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि आपको पूरा सामान खाली करना होगा, उसके बाद दोबारा से रखना होगा। और ये जो कैप है लगने का ऑप्शन आसान है, आसानी से आप इसे लगा सकते हैं, हल्का हल्का हथौड़ा मार के सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको कभी भी लगने में प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये है कि आपका साइज में डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये है कि कहीं से आप टाइट कर चुके हैं और कहीं से लूज कर दिया है, जिसके कारण से लगने में प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया लंबाई के बारे में, लंबाई अब इतना ही रखता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं साइड से बढ़ाऊँ, मतलब और एक रेक इस साइड से बढ़ाऊँ। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि कैसे आपको करना है। ये देखिए, अगर आप साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो उसे बढ़ने के ऑप्शन में सेट करना होगा आपकी चक्री को, ताकि आपको आगे कनेक्ट कर पाए इस सारा जो आपको पार्ट्स मिले हैं वो सारा को आसानी से आप इधर से उधर आगे बढ़ा पाए। तो इस तरह से आपको चक्री को चेंज करना होगा। आसानी से आप खोल सकते हैं, कभी भी कहीं भी आसानी से खोल सकते हैं आप इसे हल्का सा हथौड़ा मार के, और आगे कनेक्ट होने के वजह करने के लिए कुछ इस तरह से सेट करना होगा आपको। तो ये देखिए, मैंने सेट कर दिया है तो आगे बढ़ने के ऑप्शन में, ताकि आप इस तरह से आप इस साइड से अब बढ़ेंगे रेक लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेस लगा देता हूँ। बेस जो है चक्री जो मैंने आपको जो बताया, इस साइड से बढ़ने के लिए आपको इस साइड से बढ़ने वाले ऑप्शन में ही लगाना होगा, तभी आपको दोबारा से खोलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बार खोलना होगा आपको, जैसे आपको बनाना है उस हिसाब से पहुंचने के लिए। तो पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि पूरा प्लान कर लीजिए पहले, ताकि दोबारा आपको खोलना ना पड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ भी डिज़ाइन चेंज करने के लिए पूरा ही खोलना पड़ता है। तो आप ऐसा डिज़ाइन बनाइए कि आपको पूरा खोलना ना पड़े। तो इस तरह से आप ये फ्रेम का भी हर एक पार्ट्स का भी उल्टा और सीधा है। अगर आपको जहाँ पे डिज़ाइन बाहर चाहिए, जो आपको खूबसूरत लगने के लिए बनाया गया है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये बाहर की तरफ हो, नहीं तो अगर आप ये मिस कर देते हैं तो दोबारा से आपको खोल करके लगाना होगा। ये आसान है, लेकिन
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण से ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर दिन चेंज करते हैं इसे। और अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको उसी वक्त चेंज करना होगा, नहीं तो अगर उसके बाद उसके ऊपर वाला आप कनेक्ट कर दोगे तो दोबारा से आपको ऊपर से ही खोलना होगा, तब जाके आप मिडिल वाला को निकाल सकते हैं। ये सारा प्रॉब्लम है इसमें, जो कि अच्छा है, आसानी से आप कीजिएगा और दोबारा खोलना ना पड़े। इसके लिए आप बिल्कुल भी ध्यान से सेट कीजिए, ताकि आपको दोबारा से ओपन करना ना हो और एक बार में ही सेट कर दें आप। सबसे आसान ये है कि 2x6 जो इमेज में दिखाया था उसी हिसाब से अगर आप सेट करते हैं तो आपको दोबारा से खोलने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और ना ही कोई आपका पार्ट्स बचेगा आपके पास, और ना ही कुछ भी कोई भी चक्री बचेगा आपका 6x2 का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सिंपल है पूरा, कुछ भी ऊपर नीचे वाला डिज़ाइन कुछ भी नहीं है उसमें, वो सारा कुछ आप यूज़ करके सेट कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, ताकि आपका कोई भी पार्ट्स बचा ना रहे और आसानी से आप इसे यूज़ कर पाएँ। तो 6x2 मतलब दो लाइन में 6-6 करके 12 रेक आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं आप। तो इसी के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा से आपको कभी भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह चाहते हैं डिज़ाइन हमेशा चेंज करने के लिए, तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको कुछ भी कभी भी करते रहना पड़ेगा, ताकि हर वक्त आपका ये रेक जो है वो नया दिखे, हर वक्त नया दिखे। अगर आप डिज़ाइन बनाते बनाते आपको कुछ ऐसा कभी कोई ऐसा रेक जो आपको बड़ा चाहिए हो, मतलब नॉर्मल साइज़ जो है इसका, एक कैप जो लगा हुआ है ओपन करने का जो ऑप्शन है वाइट कलर का, उसे आपको 2 बार यूज़ करना है या फिर 3 बार यूज़ करना है, तो आपको अगर बड़ा कुछ चाहिए रखने के लिए तो आप यहाँ से मिडिल वाला जो ऑप्शन है उसे मिस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ये देखिए इसमें मैंने आपको मिडिल वाला नहीं लगाया है, ताकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान रखना है या फिर कुछ बड़ा सामान रखना है, तो इसके लिए ही मैंने मिडिल वाला नहीं लगाया है, ताकि हम वो सामान आसानी से आट पाए। और अगर आपके पास कपड़े वपड़े कुछ रखने वाले हैं, तो कपड़ा अगर ज़्यादा है तो आप आसानी से 2 रेक को मिलाकर 1 बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं रख सकते हैं जो कि इतने बड़े निकालने वाले जो ऑप्शन है वहाँ से आपको ना निकले। तो ऐसा कुछ रखना है आपको जिससे कि आप यहाँ से आसानी से निकल पाए, और दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, दो ऑप्शन निकालने के लिए मिलेंगे, और लेकिन अंदर में जो रखने का साइज है वो आपको बड़ा मिलेगा, यानी कि नॉर्मल साइज से डबल हो जाएगा वो, क्योंकि दोनों साइड से बीच का मिडिल मैंने नहीं दिया है इसके लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से सेट करने के बाद ऑप्शन दिखेगा आपको, और ये बाहर से बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है कि आपने कुछ भी मिडिल में मिस किया है। तो आप इस तरह से अपने पार्ट्स को बचा भी सकते हैं, और बीच में का नहीं देकर बचा सकते हैं, और आपका सामान जो है अगर कुछ ज़्यादा है सेम सामान तो आप उसे वहाँ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, आप जितना बार चाहें उतनी बार बीच का हटा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई वॉल के पास रखने वाले हैं और उस वॉल के पीछे में कुछ है जो कि आपको दिखते रहना चाहिए, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, आपको मिडिल वाला नहीं देना होगा, ताकि आप ऐसा कुछ देख सकते हैं वॉल का भी। मान लीजिए अगर कोई स्विच बोर्ड है तो आप इसे पीछे वाला ना देकर उस स्विच बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से कुछ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये सिर्फ आप देख लीजिए कैसे मैं रेडी कर रहा हूँ, आप इसे घर के मिडिल में रख कर कर सकते हैं रेडी। उसके बाद अगर आप चाहें तो जहाँ पर आप इसे रखना है, ये देखिए कुछ इस तरह से आप मिडिल में नहीं दिया मैंने तो 2 रेक मिल चुके हैं। तो इससे हुआ है ये कि आप आसानी से पार्ट्स को भी बचा सकते हैं, उसे और ऊंचा बनाने के लिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये सारा कुछ डिटेल आप जहाँ पे आप सेट कर रहे हैं वहाँ पे रख कर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं यहीं पे रखने वाला हूँ, इसके लिए ही यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं पे बना रहा हूँ, ताकि दोबारा से मुझे इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आप एक हाथ से खाली करके कहीं पर भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से सेट कर पाएँ। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से कहीं पे वॉल पे सेट करने के लिए इसे बना रहे हैं, तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वहीं पर सेट करने के बाद बनाएं, ताकि आपको इधर उधर करने में बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सामान रखने के बाद।
बहुत ही जल्द रेडी होने वाला है हमारा ये रेक, तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बनने के बाद कैसा लगेगा ये। और मैं आपको और एक डिज़ाइन का सीक्रेट बता देता हूँ कि डिज़ाइन जो है उसमें आप कुछ भी अधूरा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा ओपन किया हुआ छोड़ सकते हैं। इसमें कैप भी लगा सकते हैं, जो कि कैप है, अगर आपको कुछ ऐसा शो पीस वगैरह रखने हैं तो आप इसे बिना कैप के भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर वाला सामान बिल्कुल भी सेफ रहने वाला है, और जब आप कैप लगा देते हैं तो अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है वाइट होने की वजह से, तो अगर वो वाइट है तो आप ट्रांसपेरेंट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कैप नहीं लगाना होगा। जी हाँ, अगर आप कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं तो उसे आप बिना कैप के भी यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ का यूज़ करके आप इसे मिडिल में नहीं भी लगा सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी रखने में आराम हो और कुछ भी इधर उधर गिरने से सेफ रहे। कुछ इस तरह से छोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहें तो बेस को देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे जो मर्ज़ी से चाहे सेट कर सकते हैं चक्री के हिसाब से। और जब आप शॉपिंग करेंगे तो चक्री आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, ताकि आपको कभी बाय चांस कभी कुछ हथौड़ा मारने में या फिर कुछ भी ज़्यादा ताकत लगने की वजह से टूट जाए तो आपको दोबारा दूसरा यूज़ कर पाए आप आसानी से। तो कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही आरामदायक चीज़ बनाया है, जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको बनाया है, 45 मिनट में आप इसे बना सकते हैं आसानी से, कभी भी कहीं से भी खोल के लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खोलने का ऑप्शन ना रखें तो, अगर आपको बार बार खोलना पड़े तो ये दिन भर भी लगा सकता है आपका। तो टाइम बहुत लगने वाला है आपका, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं टाइम दे करके। बस हम लोगों का रेडी होने वाला है, टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा है। ये वीडियो पता है मुझे आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से मैंने इसे बनाया है और किस तरह से आप भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी रुक जाते हैं या फिर कहीं पे भी पॉज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे सेट करना है, तो उसके बाद आप इसे वीडियो को पूरा देख कर आप आसानी से सेट कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाए तो। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप एक बार देख लें एक रेक को बनाने, तो उसके बाद आप सारा कुछ सेट करने का ऑप्शन खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ताकि आप बीच में अगर कहीं पे फंस जाए या फिर नहीं सेट कर पाए तो उसके लिए ये आपको दोबारा से ऑप्शन मिल जाए कैसे सेट हो रहा है ये। भैया देखिए, कुछ इस तरह से खूबसूरत लगने वाला है। मैंने जहाँ से सेट किया है पूरा रेडी हो चुका है, ये कुछ इस तरह दिखने वाला है। मैंने आपको दिखाया पहले भी कि किस तरह से दिखेगा ये, तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये सूर्य भी कैसा लगा आपको। आपको अगर ये पसंद आ रहा है या फिर आपके घर में इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर आप इसे शॉपिंग कीजिए लिंक से, या फिर आप सर्च मार के इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, इसमें बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे आपको। ये देखिए, कुछ इस तरह से डिज़ाइन रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन का पूरा डिटेल, ताकि आप भी आसानी से इसे यूज़ कर पाएँ। कुछ इस तरह है ये देखिए। यही था वीडियो, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अगर ठीक नहीं होंगे तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा।